हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज द न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोसिस वायरस NPV बिलोंग्स टू द सब ग्रुप रेट्रोवायरिडी। सो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि ये जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स। द की कॉन्सेप्ट हियर इन दिस क्वेश्चन इज न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोसिस वायरस, इन शॉर्ट NPV। सो इनको ये जो नाम दिया गया है न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस, वो इसलिए क्योंकि जो वायरस है उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में प्रोटेक्शन चाहिए होती है, और वो प्रोटेक्शन इनको कौन देता है? पॉलीहेड्रल कैप्सिड। ये पॉलीहेड्रल कैप्सिड एक एक्सट्रीमली स्टेबल प्रोटीन का क्रिस्टल होता है, जो कि क्या करता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में प्रोटेक्ट करता है वायरस को। बट जब ये अपने होस्ट के बॉडी में पहुंचता है तो वहां पर ये एल्केलाइन मिडगट में डिसॉल्व हो जाता है, और डिसॉल्व होने के बाद जो वायरस है वो इन्फेक्ट करता है अपने होस्ट को। देन टॉकिंग अबाउट द ग्रुप, इट फॉल्स इन द ग्रुप वन, एंड इसका जो डीएनए होता है वो होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इसकी फैमिली है बैक्यूलोविरिडी। और ये एक ऐसा वायरस है जो कि किसको इन्फेक्ट करता है? इंसेक्ट्स को, प्रीडोमिनेंटली मॉथ्स एंड बटरफ्लाइज। और इट इज यूज्ड एज अ पेस्टिसाइड। सो जो क्वेश्चन था उसमें ये पूछा था कि दिस वायरस बिलोंग्स टू द सब ग्रुप रेट्रोवायरिडी। सो ऐसा है नहीं, बिकॉज इट बिलोंग्स टू द फैमिली बैक्यूलोविरिडी। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो द करेक्ट आंसर इज फॉल्स। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल। बेस्ट ऑफ लक।